जी सगरवाडा माली मोहल्ला हाँ। दो पत्थर मैंने जमुना में जो कि एक तो रैनी धर्मशाला पर रखा है और एक मेरे पास मौजूद है। क्या है इस पत्थर की खासियत, क्यों लोग यहाँ इतनी भीड़ लगाए हुए हैं, क्यों जमे हुए हैं यहाँ, क्या वजह निकल के आ रही है? तो मेरे को नहीं पता, मगर पत्थर है मेरे पास तो। जी क्या है उस पत्थर में खास, क्या है पत्थर तो बहुत होते हैं। पत्थर तो ये है कि पानी में तैरता है वो पत्थर, आपने खुद देखा वो तैर रहा है पानी में? तैर रहा है, आपके सामने है वो, देख लीजिए, दिखाई जरा किस तरह तैर रहा है वो। ये तैर रहा, देखो दबा के देखो, तो बाबा क्या मानते हैं ऐसे आप, क्या कोई चमत्कार है या शंकर भगवान का चमत्कार? हम तो चमत्कार ही मान रहे हैं, जब पत्थर तैर रहा है तो। पहले कभी देखा आपने ऐसा? नहीं, हमने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है ये जो पानी में पत्थर तैरता हो। अब इसे क्या लग रहा है, आपको क्या महसूस होता है, ये कब का पत्थर होगा, कहाँ से आया, किस तरह आया? अब ये हमको नहीं पता, जमुना मिला हमको तो। क्या नाम है आपका? शिवम। हाँ शिवम, जो पत्थर यहाँ रखा हुआ है क्या पत्थर है, किस तरह का पत्थर है वो? पत्थर जैसा होता है वैसे पत्थर है ये, जो है जमुना में बाबा बता रहे हैं कि जमुना में मिला था, ये तैर रहा है पानी में। क्या ये कोई भ्रम है या वास्तव में पानी तैर रहा है? भ्रम नहीं है, वास्तव में पानी में तैर रहा है, जो टंकी है आपने सामने। क्या आपने देखा है ऐसे, दबा के देखा, डुबा के देखा? दबा के देखा है तो नहीं डूब रहा ये पानी, पानी में डूब ही नहीं रहा, डूब नहीं रहा, वजन भी काफी है इसमें, 4-5 किलो वजन है इसमें। तो अब इसे क्या मानते हैं, कि भगवान का चमत्कार है या चमत्कार ही मानते हैं और क्या है? डूब ही नहीं रहा पानी में, देखो आपके सामने। क्या नाम है आपका? ललिता सैनी। ये आपने जो पत्थर देखा, क्या पत्थर है, क्या लग रहा है आपको? ये तो कोई चमत्कारी देवी पत्थर लग रहा है, नहीं एक कंकड़ी भी पानी में डालते हैं तो वो भी डूब जाती है, थोड़ी जरा सी भी डाल दो तो वो भी डूब जाती है, तो ये तो काफी बड़ा पत्थर है, मंदिर पे भी और बड़ा पत्थर है, तो ये तो कोई चमत्कारी लग रहा है।